इंक्लिनेशन, यानी उसके लाभ, उसके फायदे और कहां कहां इसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे एप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन कहा जाता है। एप्लीकेशन एंड इंप्लीकेशन कि हमने जो रिसर्च की है, हमने जो हल निकाला उसके और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं और इसे कहां कहां अप्लाई किया जा सकता है, वो आप एप्लीकेशन में लिखते हैं। लास्ट में कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा लास्ट में आया गया। ओके, एक बार सारे पॉइंट पढ़ लीजिए ऊपर से लेके नीचे। आपने क्या क्या लिखा, कोई छुपिया ना हो, एक पे बात करके कंप्लीट कीजिए। दोनों के ग्रुप में बात कीजिए आपस में, देखिए कोई पॉइंट छूटो नहीं गया, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, पर बात कीजिए आपस में, प्लीज चेक कीजिए। हर एक के साथ टॉपिक होना चाहिए, हर एक के पास हर टॉपिक होना चाहिए, हर एक के पास एक टॉपिक आनी चाहिए, हर एक के पास हर टॉपिक होना नहीं चाहिए। चेक कीजिए आपस में, मिला कोई पॉइंट छूट नहीं गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हो चुका है, तो आज से पहले हो चुका है, उससे रिलेटेड।
यानी अगर आओ सपोज जैसे अभी हम कहें कि आपके पड़ोसी का पिंडर टूल लीजिए, तो टूल क्या होगा? जो सवाल आपने अपने पड़ोसी को पूछे उन सब सवालों को लिख दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहां पर टूल है। आगे सर जी मेरा सवाल स्टेप्स क्या-क्या करते हैं, एक के बाद उसको लिखते चले जाओ। हां हां सारे जितने जितने ज्यादा लिखो उतने अच्छे। स्टेप्स गैस सिलेंडर के जितने ज्यादा है उतने अच्छे। जी एनी अदर डाउट और क्वेश्चन? जी बोलिए बोलिए शाबाश। डी लिमिटेशन वेरी गुड, अच्छा सवाल है। हम में से कोई भी रिसर्च एक्सट्रीम लेवल पर जाकर नहीं कर सकता है, पूरे संसार भर की रिसर्च नहीं कर सकता, पूरे संसार भर की हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं दे सकता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ लिमिट पर जाके रुक जाते हैं कि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। आर यू गेटिंग? तो वो जो लिमिट हम लगाते हैं उसको डीलिमिटेशन कहते हैं। कि सपोज हमें गणित की समस्या हल करनी है कोई किसी क्लास की, लेकिन हम अपनी हिंदी मीडियम के बच्चों को लेना चाहते हैं, हम सारे मीडियम नहीं ले सकते। सपोज उस स्कूल में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, गुजराती भी है, मराठी भी है, बंगाली भी है, इंग्लिश वाले सब लोग कैसे सब समझ आ कर सकते हो पर इतना आसान नहीं है। तो हम जहां लिमिट लगा रहे हैं कि ओनली हम हिंदी मीडियम के बच्चे लेंगे, तो वो आपकी डीलिमिटेशन कहलाएगी। हम खाली झारखंड के बच्चे लेंगे, बाहर के नहीं लेंगे, तो आपकी डीलिमिटेशन कहलाएगी। ओनली 15 साल से छोटे छोटे बच्चे लेंगे, उसके ऊपर के नहीं लेंगे, आपकी डीलिमिटेशन कहलाएगी। या ओनली गांव में रहने वाले बच्चे लेंगे, शहरों वाले बस।
के ऊपर के 10 मिनट डाल देंगे, ऐसे दिखाया था नहीं करना, इसे तो हम अच्छा लिखे हरे पेट से होगा। हर एक को अपनी राइटिंग अच्छी लगती है, इसीलिए हम पेपर राइटिंग करते हैं कि पेपर राइटिंग में एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। जब तक वो केवल आपकी कॉपी में आ गई तो वो आपका है, लेकिन जैसे वो किसी जर्नल में छप गया, इसका मतलब बाकी लोग भी सहमत हैं। अगर बाकी लोग सहमत नहीं होंगे तो तो हमें ऐसा लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि ना केवल हम सहमत हो बल्कि सब के सब सहमत हो। फिर भी विमर्श और विश्लेषण लिखेगा कौन? फिर भी आप लिखोगे। सहमत करेंगे आपको बहुत से करवाना है, लेकिन लिखेगा कौन? आप ही लिखोगे, पैसे लेके नहीं मानोगे। चाय ले चाय लाने के लिए मानिए, इतने चाय का काम पूरी तरह ऐसा नहीं। विश्लेषण भी आप ही लिखोगे, विमर्श भी आप ही लिखोगे। एम आई क्लियर? हमें इस तरह से लिखना है कि बाकी लोग उससे सहमत। अगर आप लिखो तो वो सच में पाया जाए। अगर आप कहो कि 2 बजे बाद में उस स्कूल में बच्चे नहीं मिलते तो कोई और भी जाए, बच्चे नहीं मिलने चाहिए। पता था पूरा स्कूल भरा पड़ा है, सब बच्चे आते 2 बजे, ऐसा नहीं करना हमारी बेटी। तो वो लिखा है तो होता है, और अगर कोई 3/3% नहीं जाकर देखे तो वैसा का वैसा दिखे पाया जाए तभी लोग सहमत होंगे। जर्नल और एकेडमिक राइटिंग में राइटिंग इसलिए करते से आम पब्लिक, बाकी लोग 3/3 जो हमें नहीं जानता है वो भी हमसे सहमत हो, एक्सेप्टेड होगी। बाकी ये सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, इसको एक्सेप्ट किया जाए, इसको छापा जाए। छपेगा तभी जब कोई एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा तो पेपर छपेगा, छपेगा नहीं पेपर कहलाएगा। जंगल में मोड़ डाला किसने देखा सुना होगा, अक्सर खुद ही लिखो अपनी कॉपी में चिपका लो, उसको जर्नल नहीं कहेंगे कि मैंने जर्नल लिखी 10-15 लिखे चिपका ली अपनी कॉपी में, उसको जर्नल नहीं कहेंगे। जर्नल आर्टिकल का मतलब कोई और छापेगा और आप और आपके पेपर को एक्सेप्ट करेगा, वो से प्रभावी तो सबसे जल्दी बाकी आप सच कहें तो जर्नल आर्टिकल जाना है। नहीं तो अक्सर होता है लोग खुद जो है किताबों में करके कई सालों को करते हैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें ये पता चले प्लेजर हुआ या नहीं, और ये तो हमने बोला नहीं, हमने ये नहीं बोला, हमने कुछ और बोला था। अभी बोला था हमने, क्या बोला था ये सेंटेंस और कंजुगेशन में नहीं बोला मैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम बताइए जिसमें ये भी हमने नहीं बोला, और बताओ क्या बात, कोई तो मैं सुन रहा है, और बताओ और क्या कहा, दोनों सेंटेंस गलत, तीसरा सेंटेंस बताओ। सर तो बोलिए हाँ बोलो बोलो सर। याद कीजिए हमने क्या बोला था, सोचिए हमें अच्छे से याद है, हमने सुबह तक 1000 बार बोले में सुबह क्या आपको एक बार उनको बताना क्या बोला था हमने। हमने ये कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसा लिखते हो, आप सही इंग्लिश लिखते हो गलत इंग्लिश लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखिए, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है आपकी इंग्लिश को करेक्ट कर देता है। ये कहा था हमने सर, क्योंकि प्लेजर सॉफ्टवेयर की बात ही नहीं की, प्लेजर सॉफ्टवेयर तो आपने टीचर्स के लिए रखा है छुपा गया, आपको चेक करना है। लेकिन सॉफ्टवेयर आपके टीचर्स के लिए बचा के रखा हुआ है, वो आपका चेक करने का मेकनिज्म है नहीं। हमने ये कहा था आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताएंगे जिसमें आपकी गलतियां ठीक हो जाती हैं। अगर आप इंग्लिश गलत भी लिख रहे तो इंग्लिश सही हो, कुछ लोग की गलती इधर का वो इधर जा रहा है, गलत हो गई। ओके, उस सॉफ्टवेयर का ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, सबसे सस्ता सबसे अच्छा काफी अच्छा फ्री वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा बीच में थोड़ा सा। उसका नाम है ग्रामरली, GRA, ये इसमें भी अवेलेबल है, GRA MMAR बराबर LY ग्रामरली LY। GRA MMAR ग्रामर जो आपकी ग्रामर सुधारता हो LY और डाल लीजिए LY ग्रामर की एक सॉफ्टवेयर को इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं, मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड्रॉइड पर भी कर सकते हैं, iOS पर भी कर सकते हैं, विंडोज पर भी कर सकते हैं, इवन मैकिंटोश पर भी कर सकते हैं, उबंटू पर भी कर सकते हैं। अब बाकी कंप्यूटर ये सारी कैटेगरी, तो
कुल मिला के है ब्राह्मण इस पर इंस्टॉल किया जा सकता है किसी भी कंप्यूटर पे आप उसको इजीली यूज कर सकते हैं। एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया कंप्यूटर खुद आपकी गलती बता रहा है प्राइमरी लेवल आपको पहले उसको पढ़ना पड़ेगा और बताना पड़ेगा मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना आपको लगता है गलत है वो आंसर को रिजेक्ट कर दीजिए सही है तो सेलेक्ट कर दीजिए अपने आप ही कर लीजिए ग्रामर की इसलिए बता रहे फ्री सॉफ्टवेयर है इसलिए अदरवाइज पेड हमें तो ज़्यादा अच्छा होगा पेड हम नहीं बता रहे हालांकि इसका जो सवाल था वो मैं इसमें बोला नहीं था लेकिन क्योंकि सवाल था उसका तो आंसर दे देते उनका सवाल ये था सर क्या कोई सॉफ्टवेयर जो प्लेगरिज्म पकड़ पाता है और इसको देखकर हम प्लेगरिज्म ठीक कर सकें ऐसे सॉफ्टवेयर हैं पहला लिखिए कोरकुन 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 स्पेलिंग यू आर के यू एंड डी यू आर के यू एंड डी कोरकुन कोरकुन पहला सॉफ्टवेयर है जो हिंदुस्तान में इस्तेमाल हुआ है और बड़ा ही आसान सा सॉफ्टवेयर है ये आपका प्लेगरिज्म लेवल बता दे ज्यादातर यूनिवर्सिटी कोरकुन का इस्तेमाल करती है एमएड डिसर्टेशन एमफिल डिसर्टेशन और पीएचडी थीसिस के लिए क्योंकि यूजीसी के अकॉर्डिंग कंपलसरी है अब उन्हीं लोगों को पीएचडी और एमफिल की डिग्री मिलेगी जो कोरकुन से पास होकर जाएंगे इनकी थीसिस में इनके डिसर्टेशन में प्लेगरिज्म नहीं है या 10% से ऊपर नहीं तो पहला जो सॉफ्टवेयर है यू आर ए यू एन डी दूसरा सॉफ्टवेयर क्योंकि सवाल अच्छा था तो दो आंसर दे दूसरा सॉफ्टवेयर है टर्न इट इन टर्न इन टी यू आर टर्न टर्न इट इन टर्न इट इन टी यू आर टर्न इट इट मतलब आई डी ई नहीं बोला इट बोला आई डी एक ही वर्ड है जब आप लिख सको इसलिए हम अलग अलग करते एक ही शब्द है टर्न इट इन आई एन टी टर्न इट इन इन सबको आप गूगल पे जाकर आप सर्च करना टाइम निकाल के आ जाए तो आप सर्च करना गूगल पे सर्च करने का कोई नहीं कोरकुन सेकंड है टर्न इट इन एक और दे सकते एक और ठीक है आइडेंटिकेट आइडेंटिकेट आई थेंटिकेट टी एच ई एन एन और जी
कई लोग स्मार्ट होते हैं, क्या नहीं जा रहे थे, तीसरा जा रहे थे, पंद्रह पेज से कॉपी करते कि यहाँ से कौन पकड़ेगा, तो ये उसको भी पकड़ेगा। इस तरह से हम दोबारा बोल रहे हैं यू आर के यू एन टी ओपन टी यू आर एंड आई टी आई टर्नेटिन, तीसरा है आईडेंटी के आई टी यू में के सी टी, चौथा है राइटर के लिए एडिटिंग करने के लिए राइटर बनने के लिए आपने सुना ही होगा एकेडमिक राइटिंग आपने मेंशन किया था रिटर्न होगा ये आपको तो पता ही होगा अगर हम कहते हैं टू बी एड स्टूडेंट ऑफ
सैंपलिंग दो तरीके की होती है, एक तो हम बड़े सोच समझ के प्लान करके जाएंगे, प्लान करके बड़े प्लान के ये करना है ये करना है, यहाँ से दो बोले लें जैसे कोडरमा में 15 स्कूल है या 15 ग्रेड कॉलेज है, हर ग्रेड कॉलेज में से मुझे 5-5 बच्चे लेने हैं या 6-6 बच्चे लेने हैं, 6 में से 3 मेल होने चाहिए, 3 फीमेल होने पूरे कोडरमा में, कर सकते हैं नहीं कर सकते उससे डेटा सही आएगा गलत आएगा, सही आएगा हमें कोडरमा में, एक तो ये कर सकते हैं बड़े प्लान वे में चले और हमने कहते हैं एक ही कॉलेज छुट्टे आ गए क्या, एक तहसील में से एक ही कोडरमा जिला लिया, एक तहसील में से एक ही ग्रेड कॉलेज ले लिया, मतलब कोई भी तहसील छूटा नहीं, हमने ले लिया और आई मतलब गलत बच्चे कर सकते नहीं कर सकते, तो सैंपलिंग दो तरह से होती है, एक तो पूरी प्लानिंग के साथ जो अभी अभी हमने बताई और एक तो अचानक हो जाए जैसे ट्रेन में कोई मिल गया मुझे कोई मिल गया था सर जाना चाहिए, ये दो तरह की सैंपलिंग होती है, पहली जो सैंपलिंग थी बड़े प्लान वे में सोच समझ के उसको जस्टिफाई किया करके सही क्यों है, उस सैंपलिंग को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, देख लीजिए क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, हर एक का चांस बराबर बराबर होता है, हर एक का चांस बराबर बराबर होता है, जैसे हर तहसील में से एक ही कॉलेज लेंगे लेंगे तो कौन सा कॉलेज लेंगे, लॉटरी मेथड से तय कर लिया 10 कॉलेज का नाम था लॉटरी मेथड से निकाल लिए, नया थोड़ा थोड़ा टफ हो गया आसान लाइट की जरूरत नहीं है हमें फिलहाल, बालकनी आवाज आ रही है जोर से बोला करो जोर से बोलो शुक्र होगा ना ये सब आवाज आ गया मतलब कैसे लोगों को ढूंढना है ड्राफ्ट करना है सेलेक्ट करना है उसे सैंपलिंग कहेंगे, अगर हम पूरी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं और हमें हर तरह को हमें इंजीनियर होने चाहिए जैसे कोडरमा जिला चाहिए तो क्या क्या कोडरमा की एक तहसील से हमारा काम चल जाएगा कैसा नो सर हमें हर तहसील से लोग लेने पड़ेंगे या ओनली हमें सपोज तिलैया तहसील है तिलैया तहसील है क्या तालुका सब डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट नहीं है क्या है अच्छा डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक है ब्लॉक की समझ लीजिए सब अगर मैं तिलैया ब्लॉक लेना चाहते हैं तो क्या खाली किसी कॉलेज लेके काम चल जाएगा ब्लॉक में सारे कॉलेज लेने पड़ेंगे सारे वेटिंग या हर ऐसे में से एक कॉलेज लेना ही पड़ेगा पहले इस तरह से हम लोग प्लानिंग करते हैं जो बेस्ट प्लान होता है और इसके पीछे कारण होता है कि इतने इतने लिए और इसी लिए और जो बाकी का रेशनलाइज हो इस सैंपलिंग को कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ये देखिए प्रोबेबिलिटी सुना है सबने पी आर ओ टी ए बी आई आर आई इसको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहते हैं जिससे हम बड़े प्लान कैसे सैंपलिंग करेंगे लोगों को छाटेंगे छट्टी करने को सैंपलिंग कहा जाता है क्योंकि हम सबका डेटा नहीं ले सकते क्या आप सारे ग्रेड कॉलेज से निर्णय ले सकते हो नहीं तो हर एक में 250 बच्चे कहाँ से होंगे हर एक में 600 बच्चे कहाँ से होंगे तो कुछ बच्चे सेलेक्ट करते हैं नहीं करते हैं इसको हम सैंपलिंग लेंगे और पहले से ब्रांड लगने चल रहा है बहुत अच्छे से तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कर रहा है इसमें हर एक का चांस बराबर बराबर हर कॉलेज का चांस बराबर है हमें कोई नहीं क्योंकि तिलैया जो ब्लॉक है उसमें से एक ग्रेड कॉलेज लेना है हम क्या कर सकते हैं जितने ग्रेड कॉलेज उनके नाम लिखे इस ग्रेड के ऊपर ठीक है और सबको बराबर बराबर चांस मिले तो क्या कर सकते हैं हमें सपोज सपोज हमें कोडरमा थोड़ा और पास करना है सपोज हमें ये करना है कोडरमा जिले में से सैंपल लेना है सैंपल समझ के हम लोग लेना तो हमने क्या किया और हर एक तहसील में से एक ही कॉलेज लेना हर एक तहसील में से एक ही कॉलेज सपोज हमने तिलैया कराना तहसील तिलैया का ब्लॉक लिया तिलैया ब्लॉक में से एक कॉलेज चाहिए वो कैसे सेलेक्ट करोगे लॉटरी सबसे आसान होगा तरीका नहीं तो आएगा आप अपने मन से नहीं सेलेक्ट करा आपने क्या किया सारे कॉलेज का नाम सूट के ऊपर लिखे और लॉटरी में आपने डाल दिया एक निकाल दिया तो सबका चांस बराबर हुआ नहीं हुआ जहाँ सबका चांस बराबर बराबर होता है उसे प्रॉपर्टी सैंपलिंग ये जो सैंपलिंग है प्रॉपर्टी सैंपलिंग यानी सबका चांस बराबर होता है दूसरा जिसका सबका चांस बराबर बराबर नहीं होता है हर एक को चांस नहीं मिल सकता है जो वेल प्लान में नहीं किया गया पहले से प्लानिंग के साथ उसको नॉन प्रॉपर्टी सैंपलिंग नॉन प्रॉपर्टी सैंपलिंग जैसे आप ट्रेन में गए अचानक कोई मिल गया बाद में आपको पता लगा ये तो हमारा सैंपल है नहीं अभी मैं बताया आपने बात की उससे पूछा ये क्या है आपको अच्छा बी एड कर लो अभी भी कर लिया है कहाँ के रहने वाले कोडरमा अच्छा कहाँ ब्लॉक हो सकते हो दिल्ली या दिल्ली स्कूल
सवाल आने चाहिए, पता है कहीं एक के साथ 10 क्वेश्चन और मिल जाए, पता होता है ये सवाल तो हमारा था, कई बार मैं कहूँ मैं नहीं पूछने वाली, तो सवाल होने चाहिए। इनका एक सवाल है बड़ा अच्छा कि तो इसमें हम आपने लिखा है बीच में को लिखवाए शुरू में क्यों नहीं लिखवा दिया, हो सकता है लोग इंटरेस्टेड ही ना हो पढ़ने में, तो पहले उसको बता रहे हैं ये काम कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन देंगे उसको, नहीं जैसे आज मैडम कम से कम इंट्रोडक्शन क्यों दिया और वो सर वाले को बस्ती में आने के बाद पहले इस बॉल पर जो पड़ी क्यों दिया इंट्रोडक्शन क्यों दिया दिया नहीं दिया इंट्रोडक्शन आप चीज की जरूरत क्यों इंट्रोडक्शन तय करते हैं कि आप आगे उसको पढ़ना चाहोगे या नहीं चाहोगे सुनना चाहोगे या नहीं सुनना चाहोगे। जैसे मैडम ने कहा 13 पेज का सीवी है सब कुछ हो गया आप सीखते हो मैं थोड़ा नहीं ये मैडम ने की एक बार बाहर से बोल रहे थे पकड़ लाए आप उसको कितने लोग सुनते बात नहीं पूरी गायब नहीं इंट्रोडक्शन दे रहा है इंट्रोडक्शन ये बताता है कि वाकई ये चीज आपके काम की है या नहीं है कितने रिसर्च पेपर होंगे वर्ल्ड में बहुत करोड़ों होंगे हम कोई रिसर्च पेपर क्यों पढ़े कौन तय करेगा ये इससे इंट्रोडक्शन पहले देते हैं उसको पढ़ने में तय करते हैं हमें पढ़ना है कि पहले हम देखिए इंडिया में सबसे पहले तो कितने लोग पढ़ेंगे कितने लोग पढ़ेंगे कोई कोई पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन पीछे तो सवाल ही होता है क्या बात एक आधा तो पूछो क्वेश्चन ओके अगर आपने इन पॉइंट्स के आधार पर पेपर लिख दिया अगर आपने इन पॉइंट्स के आधार पर पेपर लिख दिया पेपर आपका कंप्लीट है पेपर आपका बिल्कुल कंप्लीट है किसी को एक्सेप्ट नहीं है आपने सबसे आखिरी नाता लिखी है
कंप्लीट उसको हम रेफरेंस कहते हैं। तो रेफरेंस क्या होता है, लिस्ट होती है, ब्रैकेट का लिस्ट आप याद रखो। वो रेफरेंस इसको लिस्ट ऑफ साइटेशन भी कहा जाता है, लिस्ट ऑफ साइटेशन। साइटेशन का मतलब किसने क्या कहा उसको साइटेशन कहते हैं, किसने लिखा, किसने बोला। तो रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबसे आखिरी है ये वो है आपका रेफरेंस। रेफरेंस बिना कोई भी आर्टिकल, कोई भी जर्नल, कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता। अगर आपने सब कुछ लिखा लेकिन रेफरेंस लिखना भूल गए तो आपका पेपर कभी ऐसे नहीं होगा। क्लियर? रेफरेंस का मतलब है जो जो आपने पढ़ा वो किस किसने कब कब काम लिखा उसकी किसको रेफरेंस है। अगर आपने 10 कॉपी किताबें पढ़ी तो 10 कॉपी किताबों की जो किस्म नहीं अगली किस किताबों की तो आपका रेफरेंस है, वो बताना क्यों जरूरी है, जिससे कि क्लियरली पता चलता है आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ी है इससे पहले इस टॉपिक के ऊपर, जिससे कि आपके काम को ऑथेंटिक माने, आपके काम को ऑथेंटिक माना जाए। इससे पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मैंने ऑथेंटिक चीजें पढ़ी भी है, इसलिए साइटेशन बहुत जरूरी है। रेफरेंसेस जरूरी है, रेफरेंसेस का एक बार नाम है साइटेशन, आसान बात है। हालांकि साइटेशन अलग होता है, बोल देते हैं आप दोनों लिखो, राइटर होगा रेफरेंसेस और साइटेशन अलग अलग होते हैं। तो जैसे ही आपका रेफरेंस आपके यानी खत्म हो गया आपका पेपर एकदम बन गया। अभी हमारा कौन घंटा हो रहा है, 45 मिनट, हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, दो दो के ग्रुप बना लीजिए, जो जहाँ बैठा है आपका पड़ोसी आपका ग्रुप पार्टनर हो गया। आज सुबह से आपने बहुत कुछ सीखा, आपकी समस्या थी, आपकी समस्या थी बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स को एकेडमिक रैंकिंग नहीं दिया। आर यू गेटिंग? बीएड और डीएलएड के स्टूडेंट्स को एकेडमिक रैंकिंग नहीं आती है, तो एक सॉल्यूशन दिया आज हमारा लेक्चर करवा, यहाँ से सुनिए आज एक लेक्चर करवाएगा हमारा। और आप ये देखना चाहते हैं कि लेक्चर का कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा, लेक्चर के आधार पे मार्केटिंग राइटिंग की लर्निंग सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। आर यू गेटिंग? उसके लिए आपको रिसर्च करनी है, आपको क्या करनी है, रिसर्च करनी है। और आपका पार्टनर आपका सैंपल है, आपका पार्टनर आपका सैंपल है, जो बेचारा सुबह से जेल लाया किसी को एकेडमिक राइटिंग के टॉपिक के ऊपर और वो तो सीख रहा है। आपका पार्टनर आपका सैंपल है, आपको रिसर्च करनी है कि आज का जो लेक्चर रहा उसने एकेडमिक राइटिंग को कितना सक्सेसफुल बनाया या बनाया अभी नहीं बनाया। यह आपका रिसर्च टॉपिक है, यह आपका रिसर्च टॉपिक है। अभी आपको एक बैठ के रिसर्च करनी है, दो दो के पेयर में रिसर्च कीजिए, एक दूसरे का क्या लेंगे इंटरव्यू, आपका सैंपल आपका पार्टनर है, आप उसके वो आपका दोनों है, आप उसका इंटरव्यू हो गया वो आपका लेगा। तो शुरू करिए, सब पहले सवाल होती है जो आपसे पूछना चाहते हैं, ये जानना है कि आज का लेक्चर सक्सेसफुल आया नहीं आया और उसको एडिटिंग रेडी आई या आपके दो मेन ऑब्जेक्टिव दो उद्देश्य है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर इंटरव्यू लिखिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, रात नाम लिखा शुरू कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।